बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि गाइस अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो आप इसमें बैकग्राउंड पिंजेस को भी यूज करोगे, बट गाइस बैकग्राउंड पिंजेस को डाउनलोड करने का जो मेथड है आप मैंने वीडियो में थोड़ा चेंज कर दिया है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पे। सबसे पहले गाइस जैसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा डाउनलोड बैकग्राउंड का, आप उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। एंड इस पेज पे जैसे आप पहुंच जाओगे तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है या फिर आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जैसे 20 सेकंड का कुछ मतलब वेट करने को बोलेगा आपको। सिंपली 20 सेकंड आपको वेट करना है, उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको एकदम लास्ट में एकदम चले जाना है स्क्रॉल डाउन करके, फिर वहाँ पे आपको जैसे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कंटिन्यू करके या फिर आपको गेट यूआरएल करके कुछ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। आप उसके ऊपर एक बार जैसे टैप करोगे तो गाइस वहाँ पे जो है आप जैसे नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एकदम नीचे स्क्रॉल करके जाना है, लास्ट में आप सभी को वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है, जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे तो आप एक अगले पेज पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे पहुंचने के बाद गाइस आपको वहाँ पे स्कैनिंग यूआरएल करके कुछ ऑप्शन मिलेगा, आप उसके ऊपर जैसे टैप करोगे तो आपको जो है थोड़ी देर मतलब कि वेट तो नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे आप जैसे टैप करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट यूआरएल का, आपको उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है उसके सामने है। उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो है आपको अगर सर्वर वन सर्वर टू का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे दोनों में से किसी भी एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है, एक बार ही सिलेक्ट करना है। आपके सामने एक ऐड आएगा, फिर आपको सिंपली बैक कर देना है एंड उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे दोबारा उसी सर्वर के ऊपर दोबारा क्लिक करना तो आप जो है बैकग्राउंड पेजेस तक पहुंच जाओगे, वहाँ से जाकर आप जो बैकग्राउंड पेजेस डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि ये जो मेथड आप ध्यान से देख के आप कर लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको ऐसे बैकग्राउंड पेजेस डाउनलोड करना है। बाकी आज की इस वीडियो में जो भी बैकग्राउंड पेजेस मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको ऐसे मिलेगा और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको जाके ऐसे डाउनलोड करना है जैसे मैंने आप सभी को समझाया। बाकी कैसे आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना ताकि जो आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ आए एंड आप लोग जो है सेम फोटो एडिट कर पाओ। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो इसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे गाइस पोज वगैरह आप देख लो, गाइस अब इसी टाइप से कर लेना कुछ, ठीक है, तो कि लगे मतलब कि आप कुछ पेंट वेंट कर रहे हो। बाकी इसको मैं रोटेट कर लूँगा यहाँ से थोड़ा एंड उसके बाद क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ा साइज थोड़ा इंक्रीज रखूँगा यहाँ पे। एंड गाइस कोशिश करना कि आपका जो हाइट है ज़्यादा छोटा ना हो, ठीक है, एंड ज़्यादा बड़ा भी ना लगे, तो उस टाइप से आपको यहाँ पे रख देना है स्टूल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे खड़ा कर देना है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली चले जाना है यहाँ से ऐड फोटो में, ठीक है, यहाँ से। एंड उसके बाद आपको यहाँ से जो एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है जिससे कि हम यहाँ से शेडो बनाएंगे एंड फोटो में एक रियलिस्टिक सा लुक आएगा। तो यहाँ पे पहले हम इसको मूव बड़ा कर देंगे पहले एंड इरेजर टूल में जाएंगे। इरेजर टूल में जाने के बाद हम यहाँ से जो है इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे एंड कुछ स्टेप से जो हम यहाँ पे शेडो को क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे शेडो क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है गाइस शैडो में कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ, अगर आपको कोई और मेथड पता है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम जो इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम रख लेंगे, जो कि आप सभी को पता है शैडो की जो हाइट है वो कम होती है। तो इतना हो जाने के बाद हम दोबारा एक बार ऐड फोटो में जाएंगे, वहीं से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे एंड ऐसे इसको ऐड कर लेने के बाद क्या करेंगे, फोटो के मतलब पैरों के पास रखेंगे अपने आप, इसको मूव डाउन कर देंगे, रिजल्ट में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग रखेंगे यहाँ पे, जो इस तरीके से पेंट करेंगे एंड पैरों के नीचे शैडो बनाएंगे। ओके गाइस, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर इसकी ओपेसिटी कम रखनी है और इतना हो जाएगा जब आप सभी का, तो आप सभी को सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे जो है मतलब ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से एक ब्रश का पीएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसका जो मतलब हाइट है इसको अपने मतलब सॉरी मतलब यहाँ पे जो है हाथों के पास ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पे टैप करेंगे एंड इसके बाद जो इसका रोटेट करके कुछ इस तरीके से ले जाएंगे यहाँ पे। एंड इतना हो जाने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम जो सिंपली रेजर टूल में चलेंगे, चाहो तो आप मूव डाउन भी कर सकते हो, बाकी हम इरेजर टूल से यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे ताकि थोड़ा सा नेचुरल सा लुक आए, ठीक है, इस तरीके से रिमूव कर लेंगे और यहाँ से नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है सबको रिमूव कर देते हैं, ठीक है सर। एंड इसकी ओपेसिटी हार्डनेस कम करके साइज़ को अपने कोटे रखे जो आके सब ब्रश को भी रिमूव कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि हमने कुछ पेंट किया हुआ है और हमारा ब्रश जो है पेंट के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से लगना चाहिए। और ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस एंड साइज इंक्रीज करके फिर इस तरीके से रिमूव करेंगे, ठीक है, यहाँ परफेक्ट है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम डन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है चेक कर लेना अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे डन कर देना है एंड उसके बाद जो आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है, क्योंकि हम जो है लाइट रूम आपका प्रोसेस है तो वहाँ पे हम फोटो को जो है रीटच करेंगे एंड इसको हम और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं, बाकी लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में जाने के बाद गए सबसे पहले हम इसकी लाइट को करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे एंड जो हाइलाइट्स हैं इसको हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, शेडो को जो है यहाँ पे हम हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है, एंड जो ब्लैक्स है इसको कम कर देंगे एंड जो वाइट है इसको हम थोड़ा कम कर देंगे। फिर जाएंगे ऐसे हम कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड उसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे
एंड इतना जाने के बाद आपसे को फिर करना है ब्लू कलर लेंगे इसका ह्यू जो है हम मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देंगे हल्का सा प्लस करके एंड इसको यहाँ से डन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे वाले टूल में जाएंगे फोटो की हम यहाँ पे क्लियरिटी को बढ़ा देंगे फोटो में हल्का सा बिगिनेट डाल देंगे एंड यहाँ पे जो है मिड टोन को जो हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे ठीक है क्योंकि मतलब इससे क्या है कि सारा जो है डार्कनेस गायब हो जाएगा बाकी फीदर को प्लस कर देंगे। फिर जाएंगे नीचे वाले टूल में फोटो की शार्पनेस हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ से जब फाइनली रिजल्ट देख सकते हैं आप। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए गुड बाय।